इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन के नवीन पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सभी नवीन पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण करते हुए लॉकडाउन के बाद एक बार फिर इंदौर को एजुकेशन हब बनाने का प्रण भी लिया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण करते हुए शहर को एक बार फिर एजुकेशन हब बनाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने की शपथ ली। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के कोचिंग संचालक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आज 10 जनवरी को जो इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन ने जो नौ पदाधिकारियों को नियुक्त किया है कोचिंग एसोसिएशन के अंदर, उनका पदभार ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हैगा। आज हम सारे इंदौर शहर के कोचिंग संचालक मिलकर ये तय करेंगे कि वापस इस इंदौर को एजुकेशन हब बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बेहतर से बेहतर वो प्रयास जिसके माध्यम से पुनः बच्चे इंदौर में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आ सकें, हर एक वह प्रयास किस तरीके से किया जाए। और जो कोरोना काल को देखते हुए प्रशासन ने गाइडलाइनें तैयार की हैं, उन गाइडलाइनों का पूरी तरीके से हम ध्यान रखते हुए पालन करते हुए बच्चा किसी भी प्रकार से कोरोना से संक्रमित ना हो, शिक्षक किसी भी प्रकार से संक्रमित ना हो, इन सारे बिंदुओं पर हम बहुत अच्छे से काम करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। ये हमारे लिए आज एक तरीके से कह सकते हैं 2021 सभी के लिए लग गया, लेकिन जो नववर्ष और दीपावली का उपलक्ष्य होता उसी प्रकार हमारे लिए कोचिंग संचालकों के लिए 9 महीने बाद उपरांत कलेक्टर महोदय जी के आदेश अनुसार ओपन हुई है। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जब से लॉकडाउन लगा है 24 मार्च, उसके बाद से कोचिंग संचालक ही वह एजुकेशन का विभाग है जिसे सबसे लेट अनुमति मिली है चालू होने की। तो आप हमारे मन में बच्चों के भविष्य को देखते हुए और कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर या कोचिंग संचालक के आर्थिक स्थितियों को देखते हुए बड़ा ही हर्ष का समय है, बड़ा ही खुशी का समय है कि कोचिंगों को पुनः संचालन करने की अनुमति प्राप्त हुई है। कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन के रवि दांगी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि नवनियुक्त पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण के साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कोचिंग संस्थान एक बार फिर शुरू करने की बात कही। कोचिंगें चालू हो चुकी हैं, पिछले 8-10 दिन पहले कलेक्टर महोदय जी ने जो आदेश दिया है कोचिंगों को, उन्होंने कुछ मापदंड किए हैं, गाइडलाइनें जो निर्धारित की हैं कि एक क्लास में अगर 100 बच्चे बैठते हैं तो उन पर आपको 50 बच्चे बिठाना है, तो हम उन 50 बच्चों की वजह 30 से 35 ही बच्चे बैठाएंगे। लेकिन हमारे लिए आज संकट और सोचने की बात यह है कि जो 100 बच्चों की कैपेसिटी की क्लास थी और 50 बच्चों की अनुमति मिली है, लेकिन हमारी क्लास में तो 20 से 25 बच्चे भी नहीं बैठ पा रहे हैं। मतलब आज की तारीख में इंदौर शहर में बच्चों की संख्या जो 5 से 7 लाख से ऊपर हुआ करती थी, आज वो भी 50 से 75 हज़ार तक पहुँची है। तो सबसे बड़ा कोचिंगों के लिए संकट का समय अभी फिलहाल में ये है कि मकान मालिकों के द्वारा किराए में कोई प्रकार की राहत नहीं है, किराया वही लिया जा रहा है कोचिंग शुरू होने के बाद, लेकिन बच्चे पूरी ना होने के कारण हमारे लिए 9 महीने से तो संकट था ही सरी, लेकिन आगामी आने वाले जो 3 से 4 महीने या आने बच्चे नहीं आते तब तक का जो संकट दिख रहा है वह बहुत ही विकट संकट दिख रहा है, लेकिन हम उसका सामना करेंगे क्योंकि हम जैसे 9 महीने हमने बिना प्रशासन को दबाव बिल्कुल शांति से हमने निकाले हैं, हर एक पालन का करते हुए अपने आप को बंद रखते हुए, लेकिन आगामी जो हमें दिख रहा है उसकी ओर हम विचार करने के लिए उसे हम कैसे सुचारू रूप से वापस संचालित करें, कैसे बच्चों को बुलाएं, वापस इंदौर को कैसे एजुकेशन हब बनाएं, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और उनको फॉलो करेंगे और इंदौर को वापस मध्य प्रदेश की जो पहचान है एजुकेशन के मामले में, जिसमें पूरे देश के बच्चे यहाँ चाहे पढ़ने आते हैं, सिविल सर्विसेज, नीट, IIT जैसी क्लासेस में सभी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उन बच्चों को पुनः वापस बुलाने के लिए माहौल बनाया जाएगा, एजुकेशन में और बेहतर से बेहतर मापदंडों का उपयोग करते हुए एजुकेशन हब बनाया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में कोचिंग संचालकों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।